यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पूरा लोकल पानी का ढेर लगा के गेट को लॉक कर लिया गया। गाड़ी रुकता है तब ना उतरबो दादी। देखिए अपने जाने पहचाने भोजाई लोग भी आ चुके हैं। हाय हाय, कैसे हैं? सब सही है? लोकोमोटिव फिर से फेल हो चुका है। 10 लीटर 10 लीटर चाय एक दिन में। भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूं बिहार के सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर भागलपुर से, और आज हम यहां से सफर करेंगे भागलपुर से मुंबई के बीच चलने वाली एक ट्राई वीकली ट्रेन 12335 भागलपुर मुंबई लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। ये गाड़ी हफ्ते में 3 दिन रवि मंगल और शुक्रवार को भागलपुर से सुबह 9 बजे चलती है और अगले दिन लगभग 33 घंटे बाद शाम 6 बजे के आसपास पहुँच जाती है मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महाराज। और उस तरफ जा रही है भागलपुर से जयनगर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये सभी लाइन जनरल कोच की है, भागलपुर LTT एक्सप्रेस की। इस गाड़ी में जनरल कोच में चढ़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इस तरह का एक टोकन दिया जा रहा है। टोकन में जितना नंबर दिया रहेगा लाइन भी उसी प्रकार लगना होगा। जैसे अपने भाई का है 40 नंबर, तो ये भाई साहब खड़ा है 40 नंबर पे, आगे से 40 नंबर पे। ये टोकन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसे धक्का मुक्की काफ़ी हद तक कम होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक्स लेकर ये टोकन दिया जा रहा है, यानी जनरल कोच वालों का भी एक डाटा रहेगा। फिलहाल गाड़ी हमारी लगाई जा रही है भागलपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। इस गाड़ी में 3 जनरल कोच हैं और तीनों के तीनों जनरल कोच सबसे आगे की ओर है भागलपुर से मुंबई जाते वक्त। कि जनरल कोच ये भीड़ दे सकते हैं, पूरा का पूरा गाड़ी यहीं पैक हो जाने वाला है। हम इस गाड़ी के स्लीपर में सफर करेंगे। मेरा S271 साइड लोअर बर्थ है। पहले हम भी इस गाड़ी के जनरल कोच में ही सफर करने वाले थे, लेकिन बाद में सुबह सुबह मुझे करंट में सीट मिल गई। और फिलहाल बिहार की गर्मी देख रहे हैं, माथा खराब हो रहा है गर्मी से। ये है मेरा सीट साइड लोवर और कुछ ऐसा है इस गाड़ी का स्लीपर कोच का कंडीशन। देख लीजिए साफ सफाई काफी अच्छी है। ए बाबू, अरे नहीं तुम ही खाओ। तो जनरल कोच का भी झलक दिखा कर आते हैं इस गाड़ी। भागलपुर से मुंबई जाने वाली मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन देख लीजिए। पूरा गाड़ी पैक है और पंखा भी बिक रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मियों का रामबाण उपाय है ये पंखा, हाथ पंखा। गर्मी से हालत ख़राब है, इसलिए पानी और पंखा का बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो ये गाड़ी लगभग खाली ही है, अभी तो और भरने वाला है। आगे टाइम देख लीजिए, 9 बजे चलने का टाइम था, 9:30 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी अब तक यहीं लगी हुई है, यानी आधा घंटा ओवर हो चुका है और ट्रेन अब तक हमारी यहाँ से चली भी नहीं है। अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि हमारी इस भागलपुर से मुंबई LTT के बीच चलने वाली एक्सप्रेस का लोकोमोटिव फेल हो चुका है, अब दूसरा इंजन लगाया जाएगा तब हमारी गाड़ी यहाँ चलेगी। बाकी अपने ये भाई हैं जो कि बरियारपुर तक जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? मानस भाई हैं। फेल हो चुका है इस भागलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का WF7 लोकोमोटिव। अब इस फेल लोकोमोटिव को हटाया जा रहा है और दूसरा कोई लोकोमोटिव अटैच किया जाएगा। वैसे ये ETRC सेट का लोकोमोटिव है WF7 लोकोमोटिव। अरे खड़े गाड़ी का इंजन फेल हो चुका है। कि देखिए अब कौन सा लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस 12335 मुंबई LTT में। गाड़ी के इंजन फेल हो गया है। अगला बोगी चाहता ना आवे छे। चाय पीबी गर्मी में? ठंडा पी। बाकी इतनी गर्मी भी देख लीजिए, दादी को चाय पीना है, वो भी दूध वाला चाय। हम है रानी जगवान। और रानी जी भी मिल चुकी है। दस लीटर चाय एक दिन में। अच्छा, एक दिन में लोग पानी नहीं पिए 10 लीटर, तो चाय पी लेता चाय की 7 लीटर पानी और चाय 10 लीटर। 17 लीटर तो पिए छो दिन रात। कहाँ जाए चाची? गाड़ी बम्बई। हाँ। चाची भागलपुर से बम्बई जा रही है, लास्ट जहाँ लगता ही पर्याटर है। बिहार में भयानक गर्मी पड़ रही है और दादी है कि चाय के लिए तरस रहे हैं। कल ETRC सेट का WF7 हटाकर गाजियाबाद सेट का WF7 लगाया जा रहा है इस भागलपुर LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। चलिए बस, अच्छा हुआ इंजन भागलपुर में ही फेल हो गया। अगर रास्ते में फेल होता तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इतनी गर्मी में, है ना भाई? आइए आइए आइए, चलिए। सुबह के 10 बज चुके हैं और हमारी भागलपुर पक्का 10 बजे यानी लगभग 1 घंटे की देरी से हमारी ये भागलपुर LTT निकली है भागलपुर से मुंबई LTT के लिए। और वैसे ये गाड़ी लगभग 1910 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भागलपुर से मुंबई के बीच, और टोटल 35 स्टॉप है इस गाड़ी के। फिलहाल इस तरफ के आम के बागान देख लीजिए, इस और कुछ ज़्यादा ही आम की खेती की जाती है। देख लीजिए जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ आपको केवल आम के ही बागान नज़र आएंगे। आम ही आम, आम ही आम।
आमों के मामलों में भागलपुर भी कुछ कम नहीं है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 3, 5 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस भागलपुर से चलकर क्यूल पटना जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जबलपुर के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रम। तो फिलहाल गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है अपनी पहली स्टॉप सुल्तानगंज, जो कि आता है बिहार के भागलपुर जिले में ही। और सुल्तानगंज आपको पता ही है, लोग यहां से गंगा जल लेकर बाबा धाम बैद्यनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम ईस्टर्न रेलवे के मालदा डिवीजन में ही हैं। क्यूल से पहले तक मालदा डिवीजन में ही रहेंगे ईस्टर्न रेलवे के। गाड़ी हमारी आई है सुल्तानगंज के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप भी है, गाड़ी चल चुकी है। 2 मिनट का स्टॉप था, ट्रेन हमारी निकल चुकी है सुल्तानगंज से। और भागलपुर से सुल्तानगंज तक ये गाड़ी लगभग 24 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है। बाकी गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये गाड़ी पैक होती रहेगी। बाकी गाड़ी अभी केवल अपने पहले स्टॉप ही पार की है। और गाड़ी का कंडीशन देख लीजिए पूरा, मतलब ये है हमारी भागलपुर LTT एक्सप्रेस की दूसरी स्टॉप, जो कि है बरियारपुर। और ये बरियारपुर आता है बिहार के मुंगेर जिले में, यानी हमारी गाड़ी मुंगेर जिले में इंटर कर चुकी है। अपने बहुत सारे पैसेंजर हैं जो बरियारपुर से बोर्ड कर रहे हैं, बक्सा लेकर, बड़े बड़े इटैची लेकर। बरियारपुर ये गाड़ी पहुंची है सुबह 10:45 में। अंदर से देख लीजिए इस गाड़ी के जनरल कोच कंडीशन, पूरा हालत खराब है। देख लीजिए गर्मी में पानी भी भरा। इसका यहाँ आने का टाइम था सुबह 10:45, आई है 11:45, यानी गाड़ी पूरा पूरी 1 घंटे की देरी से फिलहाल चल रही है। ये फिलहाल निकल चुके हैं बरियारपुर से भी। बरियारपुर भी एक अच्छा खासा है स्टेशन, बहुत सारी गाड़ियों का यहाँ स्टॉप दिया गया है। बाकी गाड़ी हमारी अभी तक केवल दूसरी स्टॉप ही पार की है। और यहाँ देख लीजिए स्लीपर कोच का कंडीशन, पूरा गाड़ी जो है ना लोकल लोगों से भर चुका है ना। ज़्यादातर लोकल लोग जो हैं वो गेट के पास जाम लगा कर रखे हैं। टीटी साहब भी लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा भगा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन जमालपुर पहुंचने वाली है। और जमालपुर से पहले हम जमालपुर सुरंग को भी पार करने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी उस सुरंग से होकर गुजरेगी। पार हो गए जमालपुर सुरंग से। ये नया वाला सुरंग था जो कि अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ही चालू हुआ है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो भागलपुर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी हमारी ये भागलपुर LTT तय कर चुकी है। और पहुंच चुके हैं हम जमालपुर जंक्शन, जमालपुर जो कि बिहार के मुंगेर जिले में ही आता है। और जंक्शन पॉइंट भी है क्योंकि साहेबगंज क्यू सेक्शन के अलावा यहां से एक लाइन बेगूसराय खगड़िया की ओर जाती है मुंगेर गंगा ब्रिज पार करके। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। और बहुत सारे लोग यहाँ से बोर्ड भी किए हैं जमालपुर से। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, मुंगेर जाने के लिए गाड़ी बदलिए, चेंज फॉर मुंगेर ब्रांच। ये जमालपुर जाना जाता है अपने जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए। ये जस्ट बगल में ही है, वो वाला है जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। जमालपुर से हमारी ये LTT निकल चुकी है और अब ये रुकेगी अभयपुर, उसके बाद कजरा, उसके बाद क्यूल जंक्शन। तो सीधा मिलते हैं आपसे क्यूल जंक्शन में। यहाँ देखिए अपने जाने पहचाने भोजाई लोग भी आ चुके हैं। हाय हाय, कैसे हैं? सब सही है? हाँ सब सही है। गाड़ी कहाँ इतना रुका हुआ था? ब्लॉक लिया हुआ है। आपको बहुत लोग खोज रहा था। हाँ, जमालपुर में कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, ले चले जाए है ना। स्मार्ट है लेकिन दिल्ली का है। लगता है हमारी मुंबई LTT का लोकोमोटिव फिर से फेल हो चुका है क्योंकि गाड़ी यहाँ 20 मिनट से रुकी हुई है। यशवंतपुर गोरकी भाऊजी यशवंतपुर अतो है विक्रमशिला में। गाड़ी हमारी अभी भी अभयपुर में रुकी हुई है। अच्छा बात करूँ इस गाड़ी के किराए की, तो यदि आप इस गाड़ी से भागलपुर से मुंबई जाइएगा मुंबई LTT इसके जनरल कोच में, तो आपको देने होंगे मात्र 470 रुपये। वहीं स्लीपर का पड़ जाएगा 770 रुपये, थर्ड AC का है पूरा पूरी 2000 रुपये और सेकेंड AC का है 2900 रुपये। अलग से इस गाड़ी में पेंट्री कार भी है, खाना पीना भी ट्राई किया जाएगा। क्योंकि गाड़ी पहले लेट थी 1 घंटे, अब हो गई है गाड़ी 1.5 घंटे लेट। दो पीस रसगुल्ला खाइए भैया ना।
ले 20 के 5 पीस खा, ये 20 के 5। ये हमारे बिहार में देखिए आपको 10 रुपये में 2 रसगुल्ला भी मिल जाएगा, एक कच्चा रसगुल्ला और एक पक्का रसगुल्ला। पहले कच्चा ट्राई करते हैं, 5 रुपये पीस, एक नंबर। और आप ट्राई करते हैं गुलाब जामुन, इस टेस्ट का कोई जवाब नहीं है। बैठने दे भाई, ठंडा पानी उठ जा, पूरा पूरी उठ जा, पानी 30 का दो, 30 का भाई, कम से कम मेरा भी तो पैसा लगा है ना थोड़ा। यहाँ देख लीजिए, धनौरी स्टेशन में कामाख्या से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल भी लगी हुई है। कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल भी लगी हुई है मेल लाइन पर, तो रूट में कुछ काम चल रहा है इसीलिए बहुत सारी ट्रेनों को रोका जा रहा है। तो पहले ब्रह्मपुत्र मेल को आगे भेज दिया गया है। अभी दोस्तों इस गाड़ी में आप भीड़ देख लीजिए, पूरा का पूरा ट्रेन पैक है, चाहे स्लीपर हो या जनरल हो। आराम से। अरे चाची रुकिए ना, गाड़ी पर रुकने दीजिए ना, उतरबो कर रहे। गाड़ी रुकते है तब ना उतरबो दादी, पहले गाड़ी के रुके दहो दादी, तब उतरियो दादी। तो समय है 2:45 बज चुके हैं और भागलपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और पहुंच गए किउल जंक्शन, जो कि आता है बिहार के लखीसराय जिले में। और रेलवे के हिसाब से फिलहाल हम आ चुके हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में, और गाड़ी हमारी रहेगी मुगलसराय से पहले, सॉरी DDU से पहले, इसी दानापुर डिवीजन में। बाकी देखिए, अपने एक भाई मिले हैं शेखपुरा से, हैं जा रहे हैं पटना। नाम क्या है आपका? गुलशन कुमार हुआ। गुलशन भाई हैं, और से जा रही है कामाख्या से दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि हमसे आगे आगे निकल रही थी। किउल के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है बांका से राजेंद्र नगर जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। आराम से भाई, आराम से, देखिए नवा कलाकारी देखिए। अरे अरे अरे, जय हो, वाह क्या कलाकारी है। चलिए हमारी 12335 भागलपुर LTD निकल चुकी है किउल जंक्शन से और छोड़ चुकी है बांका राजेंद्र नगर को पीछे, हालांकि ये गाड़ी पीछे ही रहेगी। कल हम स्लोली किउल लखीसराय ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमारी ट्रेन का लखीसराय में भी स्टॉप है, जहां से एक लाइन शेखपुरा नवादा के रास्ते गया की ओर जाती है। अजमेर भागलपुर उस ओर से जा रही है। तो फिलहाल गाड़ी हमारी स्लोली स्किप मार रही है बढ़िया स्टेशन को, बढ़िया जहाँ का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है। कभी बढ़िया से गुजरिएगा तो यहाँ का रसगुल्ला जरूर ट्राई कीजिएगा, रसगुल्ला बोलकर ही मुंह में पानी आ गया है। बढ़िया स्टेशन हो भैया। तो गाड़ी हमारी रुक चुकी है बढ़िया में भी, शायद 12317 कोलकाता से अमृतसर के बीच चलने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस को पार किया जाएगा, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ रोका गया है। इस ओर भी आ चुकी है 12317 कोलकाता से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और ये गाड़ी भी यहाँ बढ़िया रुकेगी क्योंकि आगे सिग्नल नहीं दिया हुआ है। जय हो महाराज। अरे भाई आराम से, सब कलाकार है दोस्तों, कुछ भी हो जाए विमल नहीं छूटना चाहिए। विमल है क्या भैया? राजनिवास है क्या? हो कहा हो, खाइए ना, ऐसे मजाक कर रहे महाराज। अरे खाइए ना भैया, ओ महाराज आप तो और नहीं है। फिलहाल गर्मी इतना है कि दोनों ट्रेन के पैसेंजर देखिए प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं बाहर का हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी भी है और उमस भी है। एक तो गर्मी, दूसरा उमस, और तीसरा ट्रेन लेट, वो भी लगभग 3 घंटे से ज़्यादा लेट। फिलहाल टाइम हो रहा है 2:15 बज चुके हैं और इस ओर से अकाल तख्त एक्सप्रेस को यहाँ से खोल दिया गया है। बाय बाय ओ भैया अकाल तख्त। और ये हमारी भागलपुर LTT, पता नहीं ये कब यहाँ चलेगी। एक माजा लाइए, कितना करके? 50 की 40, 40 रुपये ना भैया, ये 40 लिखा हुआ है। 5 रुपये लीजिए ना एक्स्ट्रा, 45 लीजिए, सीधे 50 ही लीजिएगा। ये लोकल माजा जिसका प्राइस 40 रुपया है, इस गाड़ी मिल रहा है 50 रुपये में। जय हो महाराज। तो फिलहाल इस ओर आ चुकी है भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली मेरा फेवरेट ट्रेन, भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला सुपरफास्ट। वैसे इसका यहाँ स्टॉप भी है। ट्रेन किस लिए रुकी हुई है, ट्रेन कब चलेगी हमारी, कम से कम बढ़िया वालों को एक अनाउंसमेंट तो करना ही चाहिए। बाकी पहले अकाल तख्त गई, अभी विक्रमशिला लगी हुई है, उसके बाद ये बांका आएगी,
सभी गाड़ी को पार्क करने के बाद हमारी ट्रेन चलेगी, यानी इस गाड़ी और इस गाड़ी के पैसेंजर का कोई वैल्यू नहीं है। और सामने लगी हुई है भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर से दिल्ली जाने वाली सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पूरा लोकल पानी का ढेर लगा के गेट को लॉक कर लिया गया है। IRCTC ये पानी अप्रूव्ड भी नहीं है और इस पानी को भी 20 रुपये में बेचा जा रहा है। सभी के सभी लोकल पानी है, लोकल पानी को रख के यहाँ देखिए पूरा गेट को जाम कर लिया गया है। इस गाड़ी में वैसे ही भीड़ रहती है पूरा। भैया गेटवा लॉक कर लिए महाराज जी, कब खोलिएगा? मतलब पैसेंजर भाड़ में जाए, आपका पानी बिकना चाहिए ना। गाड़ी में अलग से पेंट्री कार है ना? हो नहीं ना, गाड़ी में अलग से पेंट्री कार है ना। तो ये हाल है भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस का। बताइए अच्छी अच्छी गाड़ियों का ये हाल है, तो सोचिए जो नॉर्मल ट्रेन है उसका क्या हाल होगा। गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी पीना है, चाहे को भी पानी पिला दीजिए, 5 रुपये का पानी को 20 रुपये में मिला कर पिला दीजिए, भाड़ में जाए, लोगों का हेल्थ से क्या मतलब है इन लोगों को। जब तक सारे पैसेंजर एक साथ नहीं बोलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक से बढ़कर कोई नहीं है भैया, सरकार झुकती है पब्लिक के सामने। आप लोग विरोध कीजिए, गाड़ी में लोकल पानी बिक रहा है, विरोध कीजिए। और विक्रमशिला का स्टार्टर दे दिया गया है, दौड़िए दौड़िए चढ़िए बेचिए लोकल पानी। और देखिए विक्रमशिला को यहाँ से खोल दिया गया है, मुझे लगा ही था कि इसी ट्रेन को पहले यहाँ से चलाया जाएगा। बाकी अरे भाई चल रहे चल, अरे आराम से चचा। जब तब से ट्रेन रुकी हुई थी, पता नहीं कहाँ थी ये। अरे भाई चल रे चल, अरे अरे देख लीजिए सलमान खान लोगों को। अरे वाह, विक्रमशिला एक्सप्रेस तो इस गाड़ी विक्रमशिला भी जा चुकी है यहाँ से, हमारी वाली पता नहीं कब जाएगी। कोई दिक्कत होगा देखा हम लोग गाड़ी। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पानी खत्म पूरा यहाँ जो है, एक तरफ जो है थोड़ा बहुत पानी मिल रहा उधर तो पूरा जो है बंद ही है, वो सब पूरा बंद है। भीषण गर्मी में बढ़िया के प्लेटफॉर्म पे केवल एक साइड पानी आ रहा है और दूसरे साइड एकदम सफा चट। इतने भी बोतल यहाँ आप देख सकते हैं, सभी देखिए लोकल पानी का ही बोतल दिया हुआ है। तो फाइनली समय है शाम के 4:07 और हमारी ट्रेन निकल चुकी है बढ़िया से काफ़ी देर के बाद, अभी रुकेगी मोकामा। 4:44 5 बजने में बस 1 मिनट बचा हुआ है। ये है मोकामा, जो कि जाना जाता है अपने मसूर दाल की अधिक खेती के लिए। अब पक्का 4:45। तो समय है शाम के 5:45 और हमारी भागलपुर LTT पहुंच चुकी है मोकामा, और इसी के साथ हम इंटर कर चुके हैं बिहार के पटना ज़िले में। बाकी दोस्तों इस गाड़ी की जर्नी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ट्रेन भी लगभग 5 घंटे हमारी लेट हो चुकी है। मेरा टिकट तो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कभी इस गाड़ी का फुल जर्नी भी करेंगे मुंबई से भागलपुर या भागलपुर से मुंबई तक। 4:48 पे ये गाड़ी हमारी मोकामा से चली है। बाय बाय हो भैया भागलपुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट, कभी बहुत जल्द फुल जर्नी करेंगे।